उस पुराने ड्राइविंग लाइसेंस में स्मार्ट ड्राइविंग लाइसेंस विच किवें कन्वर्ट करना है, इस दी वीडियो मैं पहला ऑलरेडी बना चुका हूँ। उपराई बटन दे तुहानू शो कर रही है वीडियो, जे तुसीं जाओ तां उत्थे चैक कर सकदे हो। पर काफ़ी मेरे दोस्तों नूं एक प्रॉब्लम आ रही है इस विच, जदों भी इस साइट ते जाके उह अप्लाई करदे ने ऑनलाइन तां नोट फाउंड दा ऑप्शन उन्हां नूं देखण नूं मिलदा है। उस रीज़न इसका यह है कि उन्होंने जोड़ा डी एल नंबर है वो 4 या 5 अक्षर का जोड़ा डी एल नंबर है, जिस वजह नाल दोस्तों इस बीच जो वो अप्लाई करते हैं तो इनवैलिड जोड़ा कि डी एल नंबर शो होंगे। तो अज की वीडियो में दोस्तों इस टॉपिक पर गल करा कि आप जो 4 या 5 अक्षर का अपना डी एल नंबर है उसमें 15 या 16 अंकों का जोड़ा हाँ डी एल नंबर जोड़ा इस साइट उपर चकते हैं वह किमें कन्वर्ट करना है। सब तो पहले दोस्तों जो वीडियो बेनीफिशियल लगती है प्लीज़ चैनल में सबसक्राइब कर लो, थोड़े सपोर्ट की बहुत जरूरत है। हुण दोस्तों तुसीं करना कि मोबाइल के ब्राउज़र भी जाना, यह पूरा प्रोसैस तुसीं मोबाइल से भी कर सकते हो, तो गूगल भी जाके सर्च करना है parivahan.gov.in। सर्च करने तो बाद इस तरह का सेम पेज तुहाडे सामने ओपन हो जाएगा। हुण आपां ऑनलाइन सर्विस से एक ऑप्शन आपां नूं मिलेगा इत्थे नो यूअर लाइसेंस डिटेल, इस पर आपां क्लिक कर लेंगे। अतः आप चैक कर सकते हैं दोस्तों कि रैड अक्षर में पूरी डिटेल दसी हुई है इन्होंने कि आप 4 या 5 अंकों वाला जो अपना डी एल पुराना डी एल नंबर है उसको आप 15 या 16 अंकों वाले डी एल में किमें कन्वर्ट कर सकते हैं, किमें अगे का प्रोसैस आप कर सकते हैं। बाकी जो तुम यह समझना चाहो तो पढ़ सकते हो इनू, वरना मैं तुम्हें इन्नी पूरी जानकारी दे देना कि यह किमें किया हुआ इन्होंने। दोस्तों सब तो पहले आप करना है कि सब तो पहले आप इतने अपना जोड़ा स्टेट का कोड होंगे जिमें आप पंजाब तो आप PV इतने लिख लेंगे। इस तो बाद आप RTO कोड जो RTO ऑफिस का कोड है वह इतने फिल करना। मैं बठिंडे तो हाँ तो मेरे बठिंडे का जो RTO कोड है वो 03 है, तो 03 मैं इतने लिख लिया। जे थोनों RTO कोड नहीं पता है तो तुम अपने व्हीकल के नंबर से देखना है कि PV के पिछे की लिखा हुआ है, तो जोड़ा वो PV तो बाद जो 2 अक्षर होंगे ने वो जो RTO कोड होंगे। या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन भी जाना तो इस पूरी लिस्ट का लिंक तो मिल जाएगा, उत्थे जाके क्लिक कर सकते हो जिहड़े भी तुसीं एरिया विच रहिंदे हो इत्थे, तो उसके RTO कोड जिमें कि मैं बठिंडे तो हाँ तो इतने चेक कर सकते बठिंडे का जो RTO कोड PV03 है। इस तो बाद जो अपना पुराना DL वो किस साल में बनाया से उसका डिटेल देने एग्जाम्पल के तौर पर मेरा जो पुराना डिटेल से 1990 बनया हुआ से, तो मैं वो इतने टाइप कर लगा। हम दोस्तों बारी आती है कि आप जो अपना DL नंबर है पुराने DL नंबर 4 या 5 अक्षर का जिन्हें भी अक्षर का नंबर है वो आप इतने टाइप कर लेंगे। मैं एग्जाम्पल तौर पर 1, 2, 3, 4 4 अक्षर का जी डिटेल है तो आप एवं 4 अक्षर अपने DL पुराने DL के आप इतने फिल कर देंगे, जे 5 का है तो आप 5 नंबर आप इतने लिख देंगे। इस तो बाद एक बार आप चेक कर लेंगे किन्नी अक्षर का जो है DL नंबर हो गया है। तो दोस्तों यह जो 13 अक्षर का जो कि DL नंबर ऑलरेडी हो चुका है, हूँ आप इसमें 15 अक्षर का DL किमें बनाना है। जो आप जो साल में अपना जो DL बनया से पुराना DL बनया से उसके पिछे आप 00 ला लेंगे, तो यह 15 अक्षर का पूरा जो DL नंबर बन जाता है जोड़ा कि अगे का प्रोसैस करने अपने लिए बेनीफिट होंगे। यह तो जे थोड़ा 4 अक्षर का है तो दोस्तों एग्जाम्पल तौर पर मेरा जो पुराना DL से जोड़ा 1, 2, 3, 4 उसका नंबर से, तो मैं 4 करा तो इतने 3 0 कर देंगा, जोड़ा कि अपने साल में जो मेरा DL बनया से पुराना DL उसके पिछे मैं 3 0 ला देंगे। ठीक है, इस तो बाद करना कुछ नहीं है, तो जस्ट आप इतने अपनी डेट ऑफ बर्थ पानी है और सेम कैप्चा है जोड़ा इतने आप फिल करके चैक स्टेटस से आप क्लिक कर देंगे। मैंने उम्मीद है दोस्तों जोड़ा कुछ मैं समझाने की कोशिश कर रहा वो तुम्हें समझ से आ गया होगा, बट जो फिर भी नहीं समझ आ रहा तो वीडियो में कमेंट कर दो, मैं चंकी तरह एक बार होर क्लीयर करके तुम्हें यह जानकारी दे देंगा। तो चैक स्टेटस से क्लिक करने तो बाद दोस्तों इतने उपर आप जोड़ा कि न्यू जो अपना DL नंबर होगा इतने आप शो हो जाएगा, इसमें आप कॉपी कर लेंगे। इतने जे थोड़ा शो नहीं हो रहा तो इतने भी आप चैक कर सकते हैं ओल्ड और न्यू DL नंबर इतने आप शो हो जाता है, इसमें आप कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने तो बाद दोस्तों प्राइवेट बटन पर वीडियो दिख रही है, तो पूरा प्रोसैस उस मैं समझाया हुआ वह प्रोसैस तुम्हें सेम करना, बस जो DL नंबर होगा तुम जो हूँ आप कॉपी किया यह DL नंबर उत्थे यूज़ करना है, तो जो ड्राइविंग स्मार्ट ड्राइविंग लाइसेंस वास्ते अप्लाई हो जाएगा। तो विद इन 15 डेज़ थोड़ा जो न्यू ड्राइविंग लाइसेंस होगा स्मार्ट ड्राइविंग लाइसेंस वो थोड़े पते उपर पहुँच जाएगा। ओके दोस्तों जो वीडियो बेनीफिशियल लगती है प्लीज़ चैनल में सपोर्ट करो, अपना सबसक्राइबर लाइक जरूर कर लिया करो चैनल में।